deliveries. तेरहवें आईपीएल का आखिरी चरण यानी कि फाइनल्स, और फाइनल्स दो टॉप की दो टीमों के बीच, मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। मुंबई इंडियंस ने जहां पूरे सीजन में कमाल का क्रिकेट खेला है, दिल्ली कैपिटल के अप एंड डाउन हुए हैं। शुरुआत में 7 मैच लगातार जीते और फिर उसके बाद 5 मैच लगातार हारे, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव ज़रूर हुआ। लेकिन जिस तरह सेमीफाइनल खेला है, जिस तरह अपनी टीम में बदलाव किए हैं, स्ट्रॉन से ओपन कराया है, हेटमैट को बीच में खिलाया है, उसने बड़ा विस्फोटक अंदाज दे दिया है दिल्ली कैपिटल्स को, और उनकी बल्लेबाजी एक बार फिर सशक्त दिखने लग गई है। यहाँ तक कि ऋषभ पंत को हेटमैट से पीछे भेजा गया है, दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट का क्या नज़रिया। लेकिन एक बात तय है, स्टॉइनिस के आने से मैं जानता हूं कि शिखर धवन ने कमाल की पारी खेली है, जो हम सब जानते हैं शिखर खेल सकते हैं। लेकिन स्टॉइनिस का जब उनको साथ मिला, कहते हैं ना, स्टॉइनिस को देख के शिखर ने भी अपना रंग बदला। क्योंकि अगर दोनों तरफ से प्रहार होते हैं और वो भी दाएं बाएं हाथ के बल्लेबाजों से, तो फिर गेंदबाजों के लिए चिंता का विषय जो सनराइजर हैदराबाद को झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं अभी तक ऐसा लग रहा था कि मुंबई इंडियंस बिल्कुल फेवरेट है, कोई उनके आसपास भी नहीं। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के इस प्रदर्शन ने तय कर दिया है कि अब मुंबई इंडियंस को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि ये दिल्ली कैपिटल्स इतिहास रचने जा रही है। ये दिल्ली कैपिटल्स इतिहास रचना चाहती है, और अगर रन बोर्ड पे लगा दी है दिल्ली कैपिटल्स ने, क्योंकि बल्लेबाजी उनके पास सशक्त, उनके पास है शिखर हैं, स्टॉइनिस हैं, अजिंक्य रहाणे हैं, श्रेयस अय्यर हैं, ऋषभ पंत हैं, हेटमैट, तो ये अच्छे खासे बल्लेबाज हैं, किसी भी टीम पर भारी पड़ सकते हैं, विस्फोटक अंदाज से बल्लेबाजी कर सकते हैं। और फिर गेंदबाजी उनके पास कमाल की गेंदबाजी, खासकर जिस तरह उन्होंने 3 गेंद स्पिनर्स को खिलाया, और स्टॉइनिस को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जो तुरप का इक्का साबित हो रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के। रबाडा ने दिखाया कि स्लॉग ओवर में उनसे बेहतर कोई गेंदबाज नहीं, और नोकिया लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। तो मिलजुल कर काफ़ी सशक्त टीम, और ऐसी टीम जो किसी भी टीम को चुनौती दे सकती है, और कोई भी टीम उनको हल्के में नहीं ले सकती। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि अगर दिल्ली कैपिटल्स की बल्लेबाजी चल निकलती है, तब उनको हराना संभव नहीं होगा। और दूसरी तरफ अगर मुंबई इंडियंस की बात करें, तो कमाल की टीम है, सर्वगुण संपन्न टीम है, ऐसी टीम जो विच हैज़ कवर्ड ऑल द बेसिस, और ऐसी टीम जो किसी भी टीम को हरा सकती है, और अभी तक हरा भी रही है, क्योंकि उनके पास विस्फोटक बल्लेबाज। हालांकि रोहित शर्मा का बल्ला अभी तक नहीं बोल रहा, बड़ा शांत है, और हम चाहते हैं कि रोहित शर्मा फाइनल में रन बनाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने चयनकर्ताओं को एक मैसेज दे पाए कि मैं फिट हूँ, मैं तैयार हूँ, और मैं रन बना पा रहा हूँ। तो निश्चित रूप से एक चुनौती ज़रूर रोहित शर्मा के लिए, देखना होगा कि रोहित किस तरह चलते हैं। लेकिन रोहित के साथ क्विंटन डिकॉक कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, और सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन दोनों ने इस साल कमाल की बल्लेबाजी की है। सूर्य कुमार यादव पहले भी करते रहे, लेकिन ईशान ने इस सब ऐसा लगता है कि टर्निंग पॉइंट इन दिस कैरियर। और फिर उसके बाद जो वो तिकड़ी है, विस्फोटक तिकड़ी, हार्दिक पांड्या, कृणाल पांड्या, और फिर कायरन पोलार्ड, ये 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जो आखिरी 5 ओवर में 70-80-100 रन तक कर सकते हैं। इस तरह की विस्फोटक अंदाज है उनका। लेकिन आईपीएल कुछ भी हो सकता है, अगर 1-2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो फिर इस तिकड़ी पर दबाव भी आता है, और आप अगर अपने अंदाज से खेल जाते हैं, अगर एक आधा मिस हिट हो गया, तो फिर आप चिंता का विषय। तो निश्चित रूप से कांटे की टक्कर, और फिर गेंदबाज बहुत ज़बरदस्त, बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, कुल्टर नायर, ऐसा लगता है कि उसको तवज्जो दी जा रही है। और कृणाल ने बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी की है, जिस तरह वो गति परिवर्तन करते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट गेंदबाज है, यहाँ तक शॉर्ट पिच गेंदबाजी भी कर देते हैं। और राहुल चहर, हालांकि पिछले मैच में उनकी काफ़ी धुलाई हुई थी, लेकिन फिर भी वो काफ़ी ज़बरदस्त गेंदबाज हैं। और फिर पोलार्ड को आप नज़रअंदाज नहीं करते, जो काम स्टॉइनिस शायद दिल्ली कैपिटल्स के लिए करते हैं, वही काम पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए करते हैं। 2-3 ओवर बीच में डाल देते हैं, स्ट्रीट स्मार्ट हैं, ज़्यादा गति उनके पास नहीं, लंबे ऊंचे कद के, लेकिन थोड़ा उछाल है, और स्ट्रीट स्मार्ट, अगर मैं कहूँ, अपना गति परिवर्तन से घातक साबित होते हैं। मिल चुलकर कांटे की टक्कर होने की संभावना, और अगर मेरे को कोई विनर चूज़ करना हो, तो मैं शायद, मेरे लिए बड़ी परेशानी होगी, क्योंकि अगर 51-49 हो सकता है, और अगर मेरे को ना जाने क्यों लगता है कि शायद दिल्ली कैपिटल्स का साल तो नहीं, क्योंकि क्या हम एक नया विनर देखने जा रहे हैं।
और जिस तरह डेली कैपिटल ने सेमीफाइनल खेला, जिस तरह उन्होंने अपनी मानसिकता में बदलाव किया, तो मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा एज हो सकता है। लेकिन अगर रोहित का बल्ला चल निकलता है तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर शुरुआत अच्छी नहीं मिलती मुंबई इंडियंस की तो डेली कैपिटल्स, मेरे को ऐसा लगता है 51-49 डेली कैपिटल के पक्ष। नमस्कार।